बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पाक फूड में। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान तरीके से भिंडी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो भिंडी के मसाला, भिंडी के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1/2 kg मैंने भिंडी ली है, उसको मैंने छोटे छोटे काट लिया है, लेकिन सीधा रख के नहीं, वैसे थोड़ी सी तिरछी तरीके से मैंने उसको काटा है। 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको छोटा छोटा काट लिए। 3 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उनको छोटा छोटा काट लिए। 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें लिए, उनको मैंने चॉप कर लिए। 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक का पेस्ट लिया, 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर का पेस्ट लिया और 1 टीस्पून मैंने प्यूरी लिए। 1 टीस्पून मैंने लिए रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला और मेरे खाने की जान 1/2 टीस्पून मैंने कलवंजी ली है, 1 टीस्पून मैंने मेथी ली है खुश्क मेथी और 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। सबसे पहले हम प्यारी सी कढ़ाई में अपना कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घी गर्म हो गया, अब ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हम गोल्डन करेंगे, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ गोल्डन। प्याज हमारे बहुत अच्छे से माशाल्लाह गोल्डन हो गए हैं। अब मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून गार्लिक जिंजर का पेस्ट और 1 टीस्पून प्यूरी, टमाटर प्यूरी डालेंगे। इसको भी भूनेंगे थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, पेस्ट है तो बहुत जल्दी भून जाता है। अब जाएंगे सारे खुश्क मसाले। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले मसाला बनने से पहले ही पानी डाल दें। अब डालेंगे हम टमाटर 3 अदद जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट के रखे हुए थे, मैंने छिलका उतार दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगता खाने में। 3 से 4 अदद जो मैंने बारीक चॉप की थी सब्ज मिर्चें वो डाल ली। अब मैंने डाला 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने डाला है सौंफ का पाउडर। जब आप योगर्ट वगैरह डालें तो थोड़ा अपना लो फ्लेम कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब जाएगी इसमें 100 ग्राम योगर्ट, 1 प्याली। माशाल्लाह बहुत अच्छा स्मूथ सा क्रीमी सा हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम ऐड करेंगे भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी फ्लेम लो होना चाहिए, हाई फ्लेम पे फिर वो नीचे लग जाएगा मसाला, क्योंकि आपने पानी वगैरह तो यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ टमाटर और जो है योगर्ट उसी से ही भिंडी ज़बरदस्त पक जाएगी। बस आस्ता आस्ता चमचा लगाते जाएं कि नीचे ना लगे, और टेंशन ना लें, कोई भिंडी टूटेगी नहीं, कोई लेस नहीं बनेगी। किनारे भी साफ करते हैं कि सारा मसाला और भिंडी सेट हो जाए। 5 मिनट के लिए हम इसको बंद करके पकाएंगे ढक्कन से, लो फ्लेम रखना है कि नीचे से मसाला लाग ना जाए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, देखे माशाल्लाह भिंडी ने घी छोड़ दी है और कलर देखे माशाल्लाह सब्ज़ कलर, बिल्कुल फ्रेश कलर। अगर आप तेल में फ्राई करें पहले तो वो कलर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, काला सा रंग हो जाता है भिंडी का। और देखें ये कितना सब्ज़ फ्रेश कलर की भिंडी लग रही है और मज़ेदार तो पूछें मत। अब अगर थोड़ी सी लेस रह भी गई है तो अब ख़त्म करेगा सोया सॉस और टेस्ट भी इससे ज़्यादा इनहेंस होगा। देखें माशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को हिट करें। इस तरह खाना तो कोई जिसे खाना नहीं बनाना आता वो भी अच्छे तरीके से भिंडी बना सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।